हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 12th के CS2 के प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड होगी। इसके अंदर हम जितने भी बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स में प्रोबेबल जो प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ क्लियर कराना चाहती हूँ कि फर्स्टली आपको प्रैक्टिकल्स किस तरह से परफॉर्म करने होंगे प्रैक्टिकली जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तब। सेकेंडली कि ऑपकोड शीट्स आपको दी जाएगी या फिर आपको खुद से कुछ लर्न वगैरह करना होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम सारे जो हमारा ऑपकोड वगैरह सब कुछ होता है उसके वैल्यूज हम किस तरह से डालकर फिजिकली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ जो है वो हम ऑनलाइन मोड यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उसका जो स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन है वो ऑफलाइन में जब भी आप ट्राई करोगे डैनलॉग 85 किट के ऊपर तो वो भी सेम हो गए। तो अगर आप ये सारे वीडियोस अच्छे से देखते हैं तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से बेसिकली करना है परफॉर्म वहाँ पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम 80-85 किट के अंदर जो है दो नंबर्स का एडिशन करेंगे। और यहाँ हम दो मेथड से करने वाले हैं। फर्स्ट होगा हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और सेकंड मेथड होगा हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर हम बेसिकली 1 byte के दो हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम ऐड करेंगे और फिर हम देखेंगे बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन उनका किस तरह के रजिस्टर उसके अंदर उनका कंटेंट क्या होता है। सो फर्स्टली आपको इसी तरह से एम अपैरेटस लॉजिक सब कुछ लिखना है, यानी कि जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे तब भी आपको एक स्लिप प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके अंदर जो है वो आपको सिर्फ एम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो एम जो है वो आपको आपकी जो आंसर शीट है उसके ऊपर कॉपी कर लेना है और उसे समझकर जो है वो बाकी का सब कुछ आपको करना होगा, यानी कि अपैरेटस लॉजिक गिवन डेटा आपको खुद अज्यूम करके कुछ भी लिख देना है और अगर वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो उसके हिसाब से करना है। इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल्स बनाने होंगे और फिर रजिस्टर्स के जितने भी वो टेबल होते हैं वो बनाकर जो है बिफोर एग्जीक्यूशन आफ्टर एग्जीक्यूशन इस तरह से हमें सारे रिजल्ट्स लिखे होंगे। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक्चुअली इसे एग्जीक्यूट करते हैं। और सेकेंडली बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि ऑपकोड का जो शीट है वो हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है कि हमें खुद से लेना होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ऑपकोड की जो शीट है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, हमें खुद से नहीं लेकर जाना होता है और ना ही हमें कोई वैल्यूज़ ऑपकोड के लर्न करने होते हैं। वहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो उसका सिंबल है वो आपको सिंपली सर्च करके वहाँ पर कॉपी करना होता है, दैट्स इट। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर अपैरेटस भी आपको मेंशन लिखना होगा वहाँ पर, डैनलॉग 85 किट और SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बाद एडिशन ऑफ टू नंबर्स का अगर वो कहते हैं तभी आप लॉजिक लिख सकते हैं, वरना सिंपली आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर इसका लॉजिक समझाना चाहती हूँ। बेसिकली हम दो 8-bit हेक्साडेसिमल नंबर्स जो कि स्टोर्ड होते हैं एक्यूमुलेटर में हम उनका एडिशन करने वाले हैं और जो रिजल्ट होगा उसे हम सी रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे। सिमिलरली सेकेंड जो है वो हम पहले तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से करेंगे, इसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से करेंगे। और ये क्या होता है वो आई होप कि आपको ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा थ्योरी में। सो अब देख सकते हैं ये किस तरह से हम रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करके कैसे रिजल्ट स्टोर करेंगे वो भी हम देखेंगे। बस इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक सिंपल है, बस दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गिवन डेटा, और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होगा अगर डेटा तभी आपको खुद अज्यूम करने होंगे कोई भी रैंडम वैल्यूज और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा आपका परफॉर्म करना होगा एक्सपेरिमेंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गिवन डेटा कुछ यहाँ पर अज्यूम कर लिए हैं। सो जो फर्स्ट हमारा मेथड है जो कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है उसके हिसाब से फर्स्टली हम एक्यूमुलेटर के अंदर 05H स्टोर करने वाले हैं। इसके बाद हम नंबर 2 लेंगे जो कि 03H होगा, उन्हें हम ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो हम सी के अंदर स्टोर कर देंगे बाय फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के अंदर हम ए के अंदर 04H ये एक डेटा ले लेंगे, इसके बाद बी रजिस्टर के अंदर 07H ये डेटा ले लेंगे, इसके बाद ये दोनों का एडिशन करके उनका रिजल्ट जो है वो डी रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसका जो इंस्ट्रक्शन का कोड है वो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आप अपना एम लिखोगे उसके बाद अपैरेटस अगर वो मेंशन करते हैं लिखना तो वो लिख सकते हैं अपैरेटस। इसके बाद जो है आपको गिवन डेटा लिखना होगा
और फिर इसके बाद जो है वो आपको फ्लो चार्ट बनाकर फिर बाकी का सब कुछ करके लास्ट में रिजल्ट लिखना है। तो फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इसके बाद आपको सारे ऑब्जर्वेशन टेबल्स बनाने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप इसको जो है वो हम सर्कुलर रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स। इसके बाद जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी कि ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, वो हम रेक्टेंगल के अंदर डिनोट करते हैं, और जो जो सिंपली जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम पैरेललोग्राम के अंदर डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम कोई नंबर को असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू या फिर ऐसा कुछ, तो ये हम पैरेललोग्राम के अंदर शो करते हैं। बाकी सब आप इस तरह से देख ही सकते हैं किस तरह से किया है। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे, हम पहले नम वन को ए रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे, इसके बाद इमीडिएटली हम नम टू को ऐड करेंगे विद ए रजिस्टर, और जो रिजल्ट होगा वो हम सी रजिस्टर के अंदर कॉपी करके स्टॉप करेंगे। ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से हम कर सकते हैं इस तरह से। सेकेंडली इसी तरह से जो है वो आपको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से किस तरह से करना आप देख सकते हैं। फर्स्टली आपको स्टार्ट लिखना है, इसके बाद फर्स्ट जो नंबर है वो ए रजिस्टर के अंदर मूव करना है, सेकेंड नंबर आपको बी रजिस्टर के अंदर मूव करना है, इसके बाद जो है वो दोनों नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट है उसे कॉपी करके डी रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है, और फिर फाइनली हमें एग्जिट करना है। सो इस तरह से फ्लो चार्ट आपको बनाना होगा, और यदि आप ये नहीं बनाते हैं तो आपके कुछ मार्क्स कटने के पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा फ्लो चार्ट। सो इसके बाद एम अपैरेटिस और फिर बाकी सब गिवन डेटा और फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम प्रोग्राम को लिखेंगे, और फिर हम उसका रिजल्ट लेकर फ्लैग रजिस्टर्स के अंदर सारे रजिस्टर्स के अंदर चेंजेस जो वैल्यूज है वो लिख देंगे। सो फर्स्टली प्रोग्राम आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा। मेमोरी लोकेशंस हम खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, आगे वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई मेमोरी लोकेशन दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल बी डबल ट्रिपल जीरो या फिर डी ट्रिपल जीरो या फिर डी जीरो फाइव जीरो एक्सेट्रा, तो वो हमें यहाँ पर जो है इनकॉर्पोरेट करना होता है हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर। अगर एग्जाम में यानी कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम कोई भी रैंडम मेमोरी लोकेशन चूज कर सकते हैं। फर्स्टली आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है मेमोरी लोकेशन, ऑपकोड, फिर लेबल, निमोनिक या फिर ऑपरेंड जिसे हम कहते हैं, और फिर कमेंट्स, और फिर ये जो कमेंट्स हैं वो हम शॉर्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, अपने ओन वर्ड्स में हमें ये लिखना होता है। फर्स्टली यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट सी ट्रिपल जीरो के अंदर हम मूव कर रहे हैं इमीडिएटली ए रजिस्टर के अंदर 05H, और फिर हम यहाँ पर इसी को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि पुट नम वन इन ए रजिस्टर। इसके बाद सेकेंड स्टेप होगा, इसका ऑपकोड इधर आएगा, और यदि हम कोई वैल्यूज भी हम देते हैं तो उसके लिए हम एक जो है यहाँ पर हम मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर देते हैं वो वैल्यू। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो MVI इंस्ट्रक्शन है वो 2 bytes का होता है, यानी कि पहले ऑपकोड और फिर उसका दूसरा जो वैल्यू होता है वो। इसके बाद हम ऐड करेंगे इमीडिएटली नम टू विथ नम वन, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंस्ट्रक्शन ADI जिसका मतलब होता है ऐड इमीडिएटली, और फिर कॉमा करके उसके अंदर जो वैल्यू हमें ऐड करनी है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो कि होता है 03H। इसके बाद ये भी जो है वो 2 bytes का इंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले उसका ऑपकोड और फिर उसका वैल्यू जो हम एंटर कर रहे हैं वो। इसके बाद यहाँ पर जो है वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, रिजल्ट जो है वो तब भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, और वो रिजल्ट को हमें सी रजिस्टर के अंदर स्टोर कराना है, तो हम लिखेंगे पुट रिजल्ट इन सी रजिस्टर। इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो कुछ भी स्टोर है वो हम मूव करेंगे इन टू सी रजिस्टर। सो MOV मूव सी कॉमा ए, तो बेसिकली हमारा सी जो है वो डेस्टिनेशन होता है और ए जो है वो सोर्स होता है। आई होप आपको ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको आते होंगे अभी तक। तो इसके बाद सिंपली हमें RST1 करना है, यानी कि स्टॉप कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको इस तरह से ऑपकोड शीट वहाँ पर मेंशन गिवन होगी, उसके हिसाब से जो कुछ भी आपका रिजल्ट है उसके हिसाब से आपको सर्च करना होगा, और यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग जो हेक्साडेसिमल के अंदर जो ऑपकोड आपको दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना होगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो है वो हम MVI ए कॉमा एक रैंडम वैल्यू लिख रहे हैं, तो बेसिकली MVI ए हमें यहाँ पर सर्च करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होता है ABCD इस तरह से, I फिर M, और फिर आप देख सकते हैं MOV है, तो इसी के आसपास जो है वो MVI होगा। तो आप देख सकते हैं MOV के यहाँ पर बाद जो है वो MVI के इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर, तो बेसिकली जहाँ पर MOV ख़त्म हो जाता है वहीं से MVI स्टार्ट होता है, और MVI ए कॉमा 8-bit। सो बेसिकली 8-bit के अंदर हमारा वहाँ पर 05H स्टोर है, तो इसके अंदर का जो ये जो इसका करस्पॉन्डिंग ऑपकोड है 3E वो हमें यहाँ पर इसके अंदर लिखना होता है यहाँ पर। तो बेसिकली ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको सारे ऑपकोड्स के वैल्यूज को फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो SNPS, पहले आपको ये सारे रीडिंग्स आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको दिखानेंगे, और फिर जब भी वो कहते हैं परफॉर्म करने के लिए तभी आपको ये परफॉर्म करना होगा।
सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा प्रोग्राम लिखने के बाद आपको तुरंत ही रिजल्ट टेबल बनाना होगा कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हम रजिस्टर्स या फिर मेमोरी लोकेशंस जो यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन के वैल्यूज हमें फिल करने होते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम ये आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन मोड के अंदर करने वाले हैं। तो हमें एक डायना 85 का जो किट होता है वो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। सो उसके स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो नॉर्मल जो हम ऑफलाइन मोड में जिस तरह से मशीन के ऊपर ऑपरेट करते हैं उसके स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन और वो जब हम ऑनलाइन परफॉर्म करेंगे वो दोनों टोटली सेम है। तो जब अगर आप वो ऑनलाइन मोड का स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं तो आपको ऑफलाइन करने में भी आसानी होगी। सो आप देख सकते हैं, फर्स्टली हमें जो है वो ये जो डायनालॉग 885 सिमुलेटर जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है वो हमें इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो उसकी लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहाँ से भी उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो सिंपली हमें किट के ऊपर प्रेस करके जो है डायनालॉग डायना 85 जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फ्रेंड फंक्शन दिखाई देगा, और अगर आपको फ्रेंड फंक्शन नहीं भी दिखाई दे रहा है तो सिंपली आप रिसेट प्रेस करिए, उसके बाद आपको फ्रेंड फंक्शन दिखाई देगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे हमारे रिजल्ट टेबल के अंदर बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये दो रोज कॉलम्स हमने बना लिए हैं। तो बेसिकली बिफोर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि हमारी ए रजिस्टर, सी रजिस्टर और एफ रजिस्टर्स के अंदर बिफोर एग्जीक्यूशन वैल्यूज़ क्या है वो हमें चेक करना होगा। तो इसके लिए हमें पहले जो है वो REG जो रजिस्टर्स होता है सिंपली उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको सारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो सारे दिखाई देंगे इस तरह से। तो आपको ए के ऊपर प्रेस करना ताकि आपको ए रिजल्ट के अंदर जो कुछ भी स्टोर है वो दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं ए रजिस्टर के अंदर अभी फिलहाल जो है वो AD स्टोर है। तो सिंपली आपको जो है वो यहाँ पर लिख देना है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो यहाँ पर हमें लिखना है। बेसिकली ये जो वैल्यूज़ है वो रैंडम वैल्यूज़ होते हैं, गार्बेज वैल्यूज़ होते हैं। तो वो जो सारे वैल्यूज़ हैं वो आपको H के फॉर्म में लिखना है, यानी कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। इसके बाद आप सिंपली C के ऊपर जो है प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं B1 है यहाँ पर, तभी जो है वो 09 था। यहाँ पर आपके वैल्यूज़ डिफर कर सकते हैं। सो बिफोर एग्जीक्यूशन के कोई भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, आपको आँख बंद करके बस उसे कॉपी कर लेना है, दैट्स इट। इसके बाद F रजिस्टर के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो F रजिस्टर के अंदर 28 है, तो वो भी हमें लिखना है 28 इन हेक्साडेसिमल। इसके बाद हमने यहाँ पर पहला काम तो कर लिया, आपको कुछ आधे मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं वो मिल जाएंगे बिफोर एग्जीक्यूशन तक आपने पूरा सही से किया है। तो इसके बाद सिंपली हमें दोबारा से रीसेट करना है, और अभी जो है वो हमें प्रैक्टिकली ये सारी जो ऑपकोड के हिसाब से है वो हमें यहाँ पर फिल इन करना है, और हमें आउटपुट देखना है उसका किस तरह से आता है। सो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम सारे ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो हमें आफ्टर एग्जीक्यूशन के सारे वैल्यूज़ अच्छे से मिल जाए। सो फर्स्टली आपको जो है वो रीसेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और अगर आपको कोई रैंडम वैल्यूज़ आती है तब भी आपको रीसेट सेलेक्ट करके फ्रेंड इस तरह से आपको अपीयर होना चाहिए आपके स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद जो है वो आपको सेट करना होगा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, और फिर उसके ऑपकोड्स हमें फिल करने होंगे। तो उसके लिए जो है सबसे फर्स्टली हमें सेट के ऊपर दबाना होगा। सेट दबाने के बाद आपको डॉट पॉइंटर इस तरह से दिखा देगा, इसका मतलब है कि आपने सही से सब कुछ किया है। सिंपली अभी आपको जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है वो यहाँ पर फिल करना होता है, जो कि है हमारे केस में C000। सब देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर फिल किया है। इसके बाद आपको INR यानी कि इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3E आया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटो करेक्ट होकर आ गया है, यानी कि आपके जब आप जब इसे ट्राई करोगे तभी यहाँ पर जो है कंपलसरी नहीं है कि 3E ही आना चाहिए, कोई भी रैंडम वाली हो सकती है। सिंपली आपको जो है वो 3E यहाँ पर दोबारा से टाइप करके उसे कंफर्म कर लेना है कि 3E है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है वो शिफ्ट हो गया है। इसके बाद सिंपली इसके करिस्पॉन्डिंग ऑपकोड फिल करने के बाद आपको INR यानी कि इंक्रीमेंट करना होगा। इसके बाद जो है वो C001 के अंदर हमें यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यूज़ होगी तभी हमें ये जो ऑपकोड है वो यहाँ पर फिल करना होगा, जो कि है 05। इसके बाद हमें इंक्रीमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मेमोरी लोकेशंस की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग ऑपकोड फिल करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, तो उसके लिए ये जो ऑपकोड है वो सारे यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी फिल किए थे वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। कोई भी रैंडम वैल्यूज होगी आपको सिंपली जो आपका ऑपकोड है वो यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर जो है वो C6 हमें फिल करना है। इसके बाद हमें INR करना है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कोई भी वैल्यू आ गया है C003 के करिस्पॉन्डिंग, तो इसको जो है वो हमें चेंज करना है। तो 66 जो है वो कोई भी रैंडम गार्बेज वैल्यू है, इसे चेंज करने के लिए हम सिंपली जो हमारा ऑप कोड है वो यहाँ पर चूज कर देंगे जो कि है 03, इंक्रीमेंट करेंगे फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। इसकी करिस्पॉन्डिंग है 4F, तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा 4F। और बाई चांस अगर आप कोई रैंडम अगर आप कोई रॉन्ग वैल्यूज भी डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4, 5 डाल दिया, तो सिंपली आपको जो है उसकी करिस्पॉन्डिंग जो कुछ भी वैल्यू है वो फिर से जो भी आप टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल 4, 5 डाले और मुझे उसको 4, 5 को अंडू करके जो है वो F सेलेक्ट करना है, तो सिंपली मैं स्टार्टिंग से जो कुछ भी मेरा वैल्यू है वो यहाँ पर प्रेस करूँगी 4F, तो सारे वैल्यूज दोबारा से आ जाएंगे। इसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद जो है वो CF दबा देंगे और आप देख सकते हैं हमारे सारे जो C005 तक जो सारे हैं वो हो गए हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि हमें इसके बाद जो है वो दो बार ये होने के बाद INR करना होगा, यानी कि ये पूरा स्टेप्स यहाँ तक ख़त्म होने के बाद हमें दो और मेमोरी लोकेशंस तक चलना होगा, यानी कि हमें दो और बार इंक्रीमेंट करना होगा और फिर हमें रीसेट कर देना है। तो ये स्टेप्स जो है वो आपको याद रखने हैं तभी जो है वो आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो आप देख सकते हैं इसके बाद 5 के अंदर जाने के बाद हम दो बार इंक्रीमेंट दबाएंगे, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। अब देख सकते हैं 5 के अंदर जो हमने ऑलरेडी फिल किया था उसके बाद 6, 7 आ गया है। इसके बाद हम सिंपली रीसेट कर देंगे। ये होने के बाद जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव हो गया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड फंक्शन आया है, इसका मतलब है कि आपने सारे ऑप कोड्स मेमोरी लोकेशन के हिसाब से सही से चूज कर दिए हैं। अगर आपको फ्रेंड फंक्शन दिखा है नहीं देता, इसका मतलब है कि आपने कोई रॉन्ग ऑप कोड फिलअप कर दिया है। तो फ्रेंड फंक्शन आने के बाद हमने रीसेट करने के बाद अभी जो है वो हम सिंपली देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ गया है। तो सिंपली रीसेट करने के बाद हम सिंपली गो के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन जो हमने यहाँ पर चूज़ किया था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर दो बार इंक्रीमेंट करने के बाद रीसेट करने के बाद हम गो के ऊपर दबाएंगे और जो हमारा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो C000 हमारा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन था। इसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। EXEC का मतलब है एग्जीक्यूट। तो जब हम ये एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सक्सेसफुल एग्जीक्यूटर, और इसके बाद जो है वो आपको इसके अंदर डिटेल्स के अंदर क्लिक करना है। जब आप डिटेल्स के अंदर जाओगे तभी आपको सारे जो रजिस्टर्स के करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर A के अंदर 08 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तुरंत वही के वही पर ये भी फिलअप करना है। तो A के अंदर जो है वो 08 है आफ्टर एग्जीक्यूशन, आप देख सकते हैं। सी के अंदर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 08 है, तो वो भी हमने फिल किया। और एफ के करिस्पॉन्डिंग जो है वो 28 है, यानी कि इस केस में 00 है, तो वो जो है वो वेरी हो सकता है कुछ हद तक। लेकिन जो हमारे मेन कंपोनेंट्स थे ए रजिस्टर और सी रजिस्टर, जो हमारा रिजल्ट था 05H का प्लस 03H का, तो 5 + 3 8 होता है, राइट। सो इसका जो रिजल्ट है वो ए रजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ है। तो आप देख सकते हैं 8 यहाँ पर है और उसी को हमने कॉपी किया है सी रजिस्टर के अंदर, तो देख सकते हैं सी के अंदर भी 08H है। तो बेसिकली इसी तरह से हमें एग्जीक्यूट करना होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर हमें लास्टली फ्लैग रजिस्टर्स लिखकर यहाँ पर जितने भी फ्लैग्स अफेक्ट हुए हैं वो उसके करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखना है। तो यहाँ पर हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन इस तरह से नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर कोई फ्लैग्स अफेक्ट हो, तो इसलिए यहाँ पर सभी जो है वो 0 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये सारे कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशन को हम दो नंबर्स को हमने ऐड किया है, तो यहाँ पर ये कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कर दिया है और इसी को जो है वो हमने सेकेंड मेथड से भी यहाँ पर सॉल्व किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्टली आपको 07H यहाँ पर हमने अब की बार जो है वो उसकी जो डेटा जो वैल्यू है वो अलग लिया है, तो आप और वेरीफाई कर सकते हैं किस तरह से हम करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के थ्रू करने वाले हैं, और जब फर्स्ट हमने अभी जस्ट एग्जीक्यूट किया था वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के थ्रू किया था। सो फर्स्टली हमें यहाँ पर जो है वो मूव, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमने मेमोरी लोकेशन फिलअप किए, ऑपकोड लेबल, निमोनिक ऑपरेंड और कमेंट्स। फर्स्टली हमें फर्स्ट नंबर को ए रजिस्टर के अंदर मूव करना है, तो MVI A,07H। इसके बाद यहाँ पर जो है वो टू बाइट्स का बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है, तो हमने यहाँ पर उसके करिस्पॉन्डिंग ऑपकोड और ये जो 07 है वो यहाँ पर लिख दिया।
इसके बाद हमने सेकंड नंबर को बी रजिस्टर के अंदर मूव कराना है. सो MVI B.04H. तो ये दो नंबर्स बेसिकली वो है जो हमें ऐड कराने हैं और उनका जो रिजल्ट है वो सिंपली आपको कॉपी करके डी रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है. तो MVI B जो है वो दो बाइट्स का है, फर्स्टली उसका ओपकोड और सेकंड उसका जो वैल्यू है वो. इसके बाद ये दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हम सिंपली ऐड बी करेंगे. इसका मतलब है कि हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जो कुछ भी वैल्यू स्टोर है यानी कि 07H वो बी रजिस्टर के वैल्यूज के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बेसिकली 07+04 हो जाएगा और फिर ये ऐड होकर ए रजिस्टर के अंदर उसके वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगा. इसके बाद जो है वो कॉपी रजिस्टर इन डी. तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारा ए रजिस्टर के अंदर स्टोर है रिजल्ट, उसको हम मूव करेंगे यानी कि कॉपी करेंगे इनटू डी रजिस्टर और उसके करिस्पॉन्डिंग जो ऑपकोड है वो हम यहाँ पर लिख देंगे. इसके बाद सिंपली हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है. सो हम स्टॉप करेंगे RST1 लिखकर, जिसका ऑपकोड होता है CF. तो अभी हम देखेंगे इसी तरह से हमें यहाँ पर सिमिलरली करना होगा, यानी कि बेसिकली इसके जितने भी आप देख सकते हैं रिजल्ट है वो इसी तरह से लिखना होगा. यानी कि फर्स्टली हमारा मेमोरी लोकेशन या फिर जो रजिस्टर्स अफेक्टेड हुए हैं वो आएंगे, इसके बाद बिफोर एग्जीक्यूशन के वैल्यूज और फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन के वैल्यूज और फिर फ्लैग रजिस्टर्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सिंपली हम यहाँ पर दोबारा से वही हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर लेकर जो है दोबारा से किट के ऊपर जाएंगे, Dynalog Dyna 85 के ऊपर चूज करेंगे. आप देख सकते हैं फ्रेंड फंक्शन आना चाहिए. अभी जो फर्स्ट थिंग आपको करना है वो ये है कि आपको रजिस्टर्स के वैल्यूज चेक करने हैं. सो सिंपली रीसेट करने के बाद हम रजिस्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे. इसके ऊपर आप देख सकते हैं सारे रजिस्टर्स के वैल्यूज हैं. अभी यहाँ पर हमें ABDF चाहिए, तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो कुछ भी वैल्यूज हैं 08 तो वो हमने लिख दिया. फिर B के अंदर जो कुछ भी है वो लिख देना चाहिए, D के अंदर और फिर फाइनली F के अंदर. ये सारे रजिस्टर्स के वैल्यूज जो कुछ भी रैंडम वैल्यूज हैं आपको सिंपली आग बंद करके कॉपी कर लेने हैं बिफोर एग्जीक्यूशन. सो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है. कई बार जो है वो हम डायरेक्टली ये जो हमारा प्रोग्राम टेबल है उसके हिसाब से हम निमोनिक्स वगैरह ये सब यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये नहीं करना है. फर्स्टली हमें बिफोर एग्जीक्यूशन के जो कॉलम है वो हमें फिल करना है, इसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन के जो प्रोसीजर है उसके साथ हमें प्रोसीड करना होगा. सो फर्स्टली जो है वो आपको दोबारा से यहाँ पर रीसेट कर लेना है. इसके बाद आपको फ्रेंड फंक्शन दिखाई देगा. अभी जो है वो ये सारे वाले उसे हम यहाँ पर डाल देंगे. फर्स्ट आपको जो है वो C000 फर्स्ट जो आपका मेमोरी लोकेशन है वो सेट करना होगा. तो हम रीसेट दबाने के बाद सेट करेंगे, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन हम यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर INR यानी कि इंक्रीमेंट क्लिक करेंगे. तो आप देख सकते हैं हमारा 3E जो है यहाँ पर हमने उसका करिस्पॉन्डिंग जो ऑपकोड था MVI A.07H उसका ऑपकोड MVI A का फर्स्ट इसमें भी सेम था, तो ये ऑलरेडी 3 यहाँ पर आ गया है. इसके बाद सिंपल आपको INR प्रेस करना है, तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो आपको 7H है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा. तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं 07 और फिर हमें इंक्रीमेंट करना होगा फिर 06, इसके बाद में इंक्रीमेंट करके 04, इसके बाद इंक्रीमेंट करके 80, इसके बाद इंक्रीमेंट करके 57 और फिर दोबारा से इंक्रीमेंट करके CF जो हमारा रीसेट का इंस्ट्रक्शन होता है वो. और ये करने के बाद हमें ये याद रखना है कि आगे किस तरह से प्रोसीड करना है. सो बेसिकली ये पूरा ख़त्म होने के बाद हमें इंक्रीमेंट ट्वाइस दबाना होगा और फिर जो है वो हमें रीसेट कर देना होगा और फिर हम देखते हैं किस तरह से करना है. सो ये पूरा 6 तक पहुँचने के बाद जो हमारा फाइनल मेमोरी लोकेशन पहुँच जाएगा, इसके बाद हमें दो बार इंक्रीमेंट कराना होगा और फिर जो है वो हम रीसेट को प्रेस करेंगे. अब देख सकते हैं फ्रेंड फंक्शन आ गया, यानी कि सारे ऑप कोड्स जो है वो आपने सही से एंटर कर लिए हैं. इसके बाद रीसेट करने के बाद आपको जो है एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो उसके लिए पहले आपको गो के ऊपर क्लिक करना है और जो फर्स्ट आपको मेमोरी लोकेशन जो कुछ भी आपने यहाँ पर फिल किया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, गो C000 और फिर आपको एग्जीक्यूट के ऊपर प्रेस करना है. तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आ गया है. तो यहाँ पर जो है वो हम डिटेल्स के अंदर जाकर सारे रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं. सो बेसिकली इसके अंदर आप देख सकते हैं ए रजिस्टर के अंदर कुछ था, बी के अंदर कुछ था, हमने ऐड करके दोनों को जो है वो बेसिकली ए के अंदर जो था रिजल्ट उसको हमने डी के अंदर स्टोर किया, यानी कि ए और डी का जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए जो कि बेसिकली इसका एडिशन है 07 और 04 का. सो बेसिकली 07 और 04 का जो एडिशन है वो दोनों रजिस्टर्स के अंदर हमें दिखाई देना चाहिए. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने आफ्टर एग्जीक्यूशन के अंदर भी वही वैल्यू स्टोर कर लेने हैं जो कि हमारे जो हमने एग्जीक्यूट किया है उसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो.
सो आप देख सकते हैं ए के करस्पॉन्डिंग 0 भी है तो वो हमने लिख दिया। सिमिलरली डी के करस्पॉन्डिंग भी वही वैल्यू आना चाहिए क्योंकि हमने ए का वैल्यू डी के अंदर कॉपी किया है। सो आप देख सकते हैं डी के अंदर भी 0 भी है। फिर बी रजिस्टर के अंदर 0-4 है और फिर एफ के अंदर जो है वो 0-0 या फिर यहाँ पर एफ के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। सो बेसिकली ये आप सोच रहे होंगे कि अभी 0B किस तरह से आया, यानी कि क्या 7+4 का जो सम है वो 0B होता है। सो फ्रेंड्स इसका आंसर बिल्कुल सही है, 7+4 का जो सम है वो 0B होता है। बेसिकली ये हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यूज हम लिख रहे हैं और आई होप कि आपको याद ही होगा कि हम किस तरह से ये कन्वर्जन करते हैं। बेसिकली हमारा 1 से लेकर 9 तक सारे हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो 10, 11, 12 ये जो है 9 के बाद जो कुछ भी डबल डिजिट्स होते हैं उन्हें हम ABCD के फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं इस तरह से। सो आप देख सकते हैं 7+4 जो है 7, 8, 9, 10, 11 होता है, तो 11 के करस्पॉन्डिंग में जो है वो यहाँ पर बी होता है, यानी कि 11 इन बाइनरी या फिर इन डेसिमल बेसिकली इट इज इक्वल टू बी इन हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्जन हम यहाँ पर चूज लिखेंगे बेसिकली। सो यहाँ पर 0BH रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद आपको फ्लैग रजिस्टर्स लिखने होंगे जो कि एक भी इफेक्ट नहीं है इस केस में, और सिंपली आपको अपने रिजल्ट को जो है वो यहाँ पर एंड कर देना है। सो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं, बहुत ही सिंपल होता है वो, और आपको बस जो है वो इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए कौन से इंस्ट्रक्शंस कभी हम यूज़ करते हैं, और ऑपकोड के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना। वो जो शीट होती है वो टोटली आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, आपको सिर्फ ही करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो ऑपकोड है वो यहाँ पर आपको देखना आना चाहिए। और कमेंट्स तो हम खुद के ओन वर्ड्स में कैसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट अगर हम लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। इसके बाद आपको सबसे पहला ये पूरा ख़त्म होने के बाद रिजल्ट का जो टेबल होता है वो तुरंत बना लेना, और फिर बिफोर एग्जीक्यूशन की जितनी भी रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज़ है वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको ये सारे वैल्यूज़ डालकर आफ्टर एग्जीक्यूशन के वैल्यूज़ लिखकर जो है वो फ्लैग रजिस्टर के वैल्यूज़ शो करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, और ये सीरीज के अंदर जितने भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वो आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। सो वो सारे अगर आप देखते हैं तो आपको जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके अंदर भी हेल्प होगी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर से पूछ सकते हैं। साथ ही इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। सो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।